श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई कर रही है। दुनिया भर में फिल्म का डंका बज रहा है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मूवी जमकर नोट छाप रही है। सिर्फ 10 दिनों में ही स्त्री 2 ने वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ क्लब्स में धमाकेदार एंट्री की थी। 11वें दिन भी फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मोटी कमाई की है। आइए आपको बताते हैं स्त्री 2 ने अब तक दुनिया भर में कितने करोड़ का बिजनेस कर लिया है। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी है। प्रोडक्शन हाउस ने सोमवार को इंस्टाग्राम हैंडल पर स्त्री 2 के लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की जानकारी दी है। फिल्म ने दुनिया भर में अब तक 560 करोड़ रुपए का तगड़ा बिजनेस कर लिया है। इंडिया में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 474 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं अब तक ओवरसीज कलेक्शन 85 करोड़ रुपए हुआ है। जिस रफ्तार से स्त्री 2 ताबड़तोड़ कमाई कर रही है उससे साफ है कि ये बहुत जल्द 600 करोड़ में एंट्री मार देगी। अब स्त्री 2 के इंडिया में टोटल नेट कलेक्शन की बात कर लेते हैं। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 402 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। 11वें दिन यानी कि रविवार को स्त्री 2 ने देश भर में 40 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 साल 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। स्त्री 2 हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 का डायरेक्शन अमर कौशिक ने किया है। इसमें अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी और अभिषेक बनर्जी जैसे सितारे अहम किरदारों में दिखे हैं। दिलचस्प बात यह है कि वरुण धवन और अक्षय कुमार ने स्त्री 2 में अपने कैमियो से फैंस को इम्प्रेस किया है। फिल्म में अक्षय कुमार के कैमियो की भी खूब चर्चा हुई थी। अब हाल ही में अक्षय कुमार के कैमियो पर लेखक नरेन भट्ट ने कुछ दिलचस्प खुलासे किए हैं। इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि ना सिर्फ मुख्य कलाकार ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं बल्कि कैमियो भी सभी को पसंद आ रहे हैं। स्त्री 2 में अभिनेता अक्षय कुमार के कैमियो ने काफी चर्चा बटोरी है। अक्षय के किरदार के भविष्य के बारे में पूछे जाने और क्या स्त्री यूनिवर्स की भविष्य में सिक्वल में उन्हें और अधिक प्रमुखता में पेश करने की योजना है, इस सवाल पर लेखक नरेन भट्ट ने बताया कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन निश्चित रहे हमारे पास यूनिवर्स के हर किरदार के लिए योजनाएं हैं, यहाँ तक कि उनमें से सबसे छोटे और सबसे बड़े किरदार के लिए भी। उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में अक्षय की भूमिका और भी महत्वपूर्ण भूमिका में बदल सकती है। इसी के साथ ही अभी तक तो श्रद्धा और राजकुमार को लेकर ही फैंस के बीच में बहस जारी थी, लेकिन अब अपार शक्ति खुराना भी इसमें एंट्री ले चुके हैं। स्त्री के दोनों पार्ट में शामिल अपार शक्ति खुराना का रोल भले ही राजकुमार राव के दोस्त का रहा हो, लेकिन अपनी छाप छोड़ जाने में पूरी तरह वो भी सफल रहे हैं। जूम को दिए इंटरव्यू में अपार शक्ति से जब फिल्म के क्रेडिट पर सवाल हुआ तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे विवाद गहरा हो गया। अपार शक्ति ने कहा कि मैं इस पर कुछ बोलूंगा, बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, ऑडियंस जो कहे वो सही है। माना जा रहा है कि फिल्म का क्रेडिट ना दिए जाने और पहचान बनने में स्ट्रगल करने को लेकर अपार शक्ति खिजे हुए हैं। एक्टर ने इसी के साथ पीआर गेम को भी ब्लेम किया है। वो बोले, फिल्म जरूर थिएटर्स में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, लेकिन किसी को ऊपर उठाना और किसी को नीचे दिखाने में पीआर का बड़ा हाथ होता है। अब अगर बात क्रेडिट की ही हो रही है तो आपको बता दें कि स्त्री 2 के क्रेडिट वॉर पर फिल्म के राइटर नरेन भट्ट ने भी कमेंट किया है। वो हंसते हुए बोले कि ये मेरी फिल्म है, एक लेखक के तौर पर मैं यही कहूंगा, पर स्त्री 2 सबकी फिल्म है, ये एक टीम की फिल्म है, ना तो ए व्यक्ति की फिल्म है और ना ही बी व्यक्ति की, ये डायरेक्टर की फिल्म है, राइटर की फिल्म है, प्रोड्यूसर की फिल्म है, एक्टर की फिल्म है और यहाँ तक कि हर टेक्नीशियन की फिल्म है जिसने इस पर बहुत मेहनत और लगन से काम किया है। आपको बता दें इस फिल्म के निर्देशक अमर कौशिक हैं। अमर कौशिक ने हाल ही में पीटीआई से बात की और बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी पहली फिल्म हॉरर कॉमेडी होगी। उन्होंने कहा कि जब स्त्री रिलीज हुई ये मेरी पहली फिल्म थी, मैं बहुत नर्वस था, मैं अपने करियर की शुरुआत कभी भी हॉरर फिल्म से नहीं करना चाहता था, ये आखिरी चीज थी जो मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगा। जब हम फिल्म का संपादन कर रहे थे तो हमें लगा कि ये एक अलग तरह की फिल्म है क्योंकि इसके लिए कोई संदर्भ बिंदु ही नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि मैं भी कुछ साल पहले एक दर्शक था और मैं कुछ अच्छा सिनेमा और कुछ नया देखने के लिए तरस रहा था। जब मुझे स्त्री बनाने का मौका मिला तो मैंने कुछ नया दिखाने की कोशिश की। अब अगर कहानी की बात की जाए तो स्त्री 2 के फैंस जानते ही हैं कि पार्ट 1 में स्त्री ने पुरुषों का अपहरण किया था, मगर इस बार कहानी में एक नए भयावह दानव सरकटा की एंट्री होती है। सरकटा महिलाओं को आक्रांत कर उनका अपहरण करता है। कहानी उसी चंदेरी गांव से शुरू होती है जहां कल तक लोग स्त्री से आतंकित थे, मगर अब दीवारों पर लिखा है ओ स्त्री रक्षा करना। हाल फिलहाल तो गांव में सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है,
कि एक दिन अचानक से बिट्टू यानी कि अपार शक्ति की गर्लफ्रेंड चिट्टी को सरकटा तबाही मचा कर ले जाता है और विक्की यानी कि राजकुमार राव को आज भी उस अनाम रहस्यमय लड़की श्रद्धा कपूर का इंतजार है। मगर रुद्र को एक दिन एक खत द्वारा चंदेरी पुराण में फटे हुए पन्ने मिलते हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि दिल्ली में रहने वाले जना की मदद से सरकटा का पता लगाया जा सकता है। इस बीच रहस्यमय लड़की श्रद्धा भी चंदेरी वापस आ गई है, मगर जब सरकटा रुद्र की प्रेमिका शमा तमन्ना भाटिया का अपहरण कर लेता है और गांव के भिट्टू सहित कई मर्दों को अपने वश में करके महिलाओं की आजादी पर बंदिश लगवा देता है, तब रुद्र, विक्की, श्रद्धा और जना सरकटा के संहार के लिए कमर कस लेती है। लेकिन क्या इनकी टीम सरकटा का विनाश कर पाती है? क्या गांव से अगवा की गई लड़कियों को सरकटा के चंगुल से बचाया जा पाता है? क्या इस बार विक्की को उसका प्यार मिल पाता है? इन सारे सवालों का जवाब तो आपको फिल्म में ही मिलेगा। अब तो सिर्फ स्त्री 2 की सक्सेस के बाद फैंस को स्त्री 3 का इंतजार है। अगर आप भी ये फिल्म देख चुके हैं तो कॉमेंट में बताएं कैसी लगी आपको ये फिल्म और आपकी इस वीडियो पर क्या राय है। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।